इसका खून भी काला होता है, अंडा भी काला होता है और इसका मटन भी खाला होता है। तो अब मुर्गी साफ करके हो गया, अभी थोड़ा भून लेता हूँ मुर्गी को आँच पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अच्छे नए ब्लॉग में, और आ गया हूँ बेहतरीन लोकेशन में और पहुँच गए दादा भी। चलो देखते हैं दादा ने क्या लाया है आज। भाई साहब यहाँ पे है तीन तीन मुर्गियाँ, और भाई तेरे को कुछ नहीं मिलेगा, तेरे को सिर्फ मिलेगा रस्सा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे करेंगे चैलेंज, मैं और हमारे इंडियन काइगरी। और देखो तीन तीन कड़कनाथ मुर्गियाँ, तीन तीन कड़कनाथ मुर्गियाँ, और भाई तीनों के तीनों हम दोनों ही खाएंगे। भाई तेरे को रस्सा ही पीने, रस्सा मिले। इन मुर्गियों के बारे में बता देता हूँ, इनका खून भी काला होता है, अंडा भी काला होता है और इसका मटन भी खाला होता है। अब देखिए सब कुछ काला, सब कुछ काला। और ये हमारे गणेश भाई भी काले लेकिन है दिल वाले। क्या बात है, क्या बात है, शक्ल वैसे पूरी मैच करते हैं मेरे साथ। ऑल ब्लैक। सबसे पहले भाई अपने को स्किन के साथ खाना है। अरे कहां गए गणेश भाई, मैं ढूंढ रहा हूँ गणेश भाई और किधर भाग गए। अपन आज पकाएंगे स्किन के साथ में, तो थोड़ा सा अपन पानी गर्म करके लेंगे, उबाल के लेंगे, मुर्गियों को गर्म पानी से निकालेंगे, साफ करेंगे और फिर बनाएंगे उसको मसाले के साथ में एकदम जबरदस्त। गणेश भाई डालिए पानी, डालिए जीते हैं वो। आप जीते हैं? अरे वो कितना बड़ा उनका मुंह, वो लंबे से मोटा, हाँ लंबे से वो अच्छा, वही जीते, उसके अलावा कोई नहीं ना। तो भाई मुर्गी साफ करके हो गया, अभी थोड़ा भून लेता हूँ मुर्गी को आँच पे। तो चलिए रेसिपी बनाने के लिए शुरू करते हैं। चलो चलो ब्लैक डाल दीजिए। हाँ डाल दीजिए, सारा के थोड़ा थोड़ा आप डालिए, मैं बता देता हूँ आपको। डालिए, हाँ बस बस बस, बहुत हो गया। चिकन लेग पीस चिकन लेग पीस। भाई एक मुर्गी में दो लेग पीस है, दो लेग पीस तुम्हारे, दो लेग पीस हमारे। और एक मुर्गी अपन ने कट करके लिया है, तो दो मुर्गी होगा हमारा चैलेंज में और एक मुर्गी होगा रस्से में। रस्सा किसको देना, चिकन किसको देना, वो सब अपन ही खाएंगे पूरा। और भाई वहां पे पकड़ा चिकन, तब तक चलो अपन राइस लगा देते चूल्हे पे। घुमा दो भाई, इसके पहले चूल्हे पे ही पकाया था, किस पे पकाया था? गैस पे। मतलब चूल्हे पे पहली बार है चूल्हे का खाने के लिए। भाई बहुत मजा आता है। हाँ ये अब आपको पता चलेगा कि चूल्हे में और गैस में क्या फर्क है। फर्क नहीं, बहुत ज्यादा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। उसमें थोड़ा जल्दी बन जाता है, इसमें बहुत मेहनत है। अरे रॉन्ग बोला आपने, इस पे जल्दी बन जाता है, मेहनत ज्यादा है लेकिन जल्दी इस पे बनता है, टेस्टी इसमें बनता है। अच्छा इसमें जल्दी बन जाता है। हाँ पर मेहनत तो ज्यादा है ना, मेहनत ज्यादा करना पड़ता है पकने के लिए। ये इसके ऊपर जल्दी से पकेगा वो जल्दी, लेकिन भाई टेस्ट बहुत खतरनाक होगा। जितनी आंच लगाएंगे अपन उतनी मस्त। वो आज क्या बात हुआ है, चूल्हा मैंने या फिर दादा ने नहीं लगाया, चूल्हा अजीत और सैराट लगाया, इसके लिए आज गड़बड़ हुआ है। अच्छा इसलिए मतलब आग सही से नहीं। ये एक्चुअली ये थोड़ा सा ऊपर हम लोग लगाते हैं ना, तो ये धूप कम आती है इसमें से। अच्छा तो चलो भाई वहाँ पे मसाला भून के हो रहा है, तब तक अपन अपने सीक्रेट मसाले रेडी कर लेंगे इसमें। और देवे भाई चूल्हा जला रहे, गणेश भाई रेस्ट ले रहे हैं, गणेश भाई आराम पे। छह महीना बस क्लबिंग। और अपने सीक्रेट मसाले की, तो यहाँ पे आ गए अपने सीक्रेट मसाले। आ जाओ भाई आ जाओ। ये कौन से सीक्रेट मसाले आपके?
भाई ये हमारे घर के मसाले, घर से मस्त में मसाला भी भून लेते पहले तो स्वाद बढ़िया आएगा। और चिकन धो के रेडी है वहाँ पे। दादा इसको दो मिनट ढक के रखते, दो मिनट जरा मुर्गे को भी पानी छोड़ने दो, फिर पानी डालेंगे बाद में पानी डालते हैं। हाँ मुर्गे को ढक दो अभी दो मिनट के लिए, फिर डालते पानी। तेल खाली के लो ना अपने। और भाई पूरे डेढ़ घंटे के बाद चिकन पक चुका है। चिकन बड़ा वो है ना सख्त है बड़ा। यहाँ पे कड़कनाथ चिकन रेडी हो गए, राइस भी रेडी हो गए। गणेश भाई इंडियन काइगरी भी रेडी हूँ, रेडी है चैलेंज के। चैलेंज तो उतारिए, कपड़ा उतारिए फटाफट। तो आपको भी उतारना पड़ेगा, अकेले मेरा जीत उतारने से नहीं चलेगा, अपना भी उतारो। अच्छा मुझे भी उतारना पड़ेगा, ऐसे मजा नहीं आएगा, अपना भी उतारो। फिर हम भी, भाई ने मेरा भी उतारने के लिए बोला, चलिए उतारिए। आप लोग बताइए किसकी बॉडी बढ़िया है। बॉडी तो मेरी ही बढ़िया है भाई, बहुत भाई, पर जबरदस्त बॉडी, जबरदस्त। निकाल नहीं रहा, हम निकाल देते, टाइट ही बड़ा। बाप रे ये क्या, यस ये। ओ भाई साहब अभी हमारी बॉडी देखिए, यस दादा इसको भी निकालना पड़ेगा। यस नहीं हम ये नहीं निकालेंगे। यस किसकी बॉडी अच्छी है आप कमेंट करके बताइए। भूख लगा है ना बहुत जोर से। चलिए फटाफट रेडी करते हैं अपन चैलेंज। ये तो बड़ा गरम गरम लग रहा है। चलिए ये कहाँ गई मुर्गी, ये बड़ी वाली मुर्गी हम लेते हैं और छोटी वाली मेरी, छोटी वाली क्योंकि मैं छोटा हूँ ना तो छोटी वाली मेरे को दो। चलो आपको छोटी मुर्गी लीजिए। चलो भाई दादा और उनमें तो चैलेंज हो रहा है और तीसरा मुर्गी अपने लिए अपन भी ले लेते। दादा तूने ले लिया मुर्गी? ले लिया। ये तो गलत बात है ना फिर। ये गलत बात है भाई, ये गलत बात है सागर, हमें कम पड़ेगा। खाने में हर बात सही होती है, कुछ गलत नहीं होती। दादा की हर बात सही होती है। वाकई में कड़कनाथ है तो वाकई में रियल में भी क्या था वर्ती हो सकता है एडवर्टाइज ना। चलो ले लेते एक रील्स लेते, अपन थोड़ा थोड़ा बाइट लेना है रील्स के लिए, है ना। मैं बोलूँगा ये आवाज़ ना बोलूँगा। हाय फैमिली, आज का हमारा स्पेशल देखिए भाई, कड़कनाथ मुर्गी, एक एक केजी की मुर्गी है यहाँ पे और हमारे साथ है चैलेंज के लिए भाई इंडियन काइगरी। तो चलिए राइस थोड़ा सा टेस्ट करिए, कैसा हमारा राइस है देखिए। हाँ हाँ जबरदस्त, मजा आ गया, मजा। और यहाँ पे कड़कनाथ मुर्गी चिकन लेग पीस, देखते हैं कौन जीता है। इंडियन काइग्रीन वर्सेस चिकन लेग पीस। तो चलो भाई टेस्ट करते सबसे पहले। कड़कनाथ सच में कड़क है, मजा आ गया। और देखते हैं आज ग्रेवी कैसा बना है। बहुत गर्म है भाई, दादा उधर बैठ के खा रहे, मैं इधर साइड में आके, दादा उधर बैठ के खा रहे अपना साइड में आके चालू हो गया।
बनकर जल्दी आपसे जितना मुश्किल ही नामुमकिन ही है। कोशिश करो भाई, कोशिश करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो क्या करूं, मेरा मुंह दुख रहा है, कड़ाके बहुत जारी है, खत्म नहीं हो रहा है। टेस्ट तो बहुत अच्छा है। भाई साहब, ये क्या हो गया? मुर्गी खत्म, जगह पर खत्म। बोलो तो आपकी भी खत्म करूंगा फटाफट। ले लो, खत्म करते फिर मेरा ये। आपसे तो जीतना मुश्किल ही नहीं संभाग के भाई। कैसा लगा टेस्ट, कैसा लगा भाई? हवा हवा में आके ऐसे बोल दिया कि आज हरा के ही जाऊंगा। पर वाकई में चैलेंज करने के लिए बैठते तभी पता चलता है भाई, चैलेंज करना कितना डिफिकल्ट है भाई। इंडियन कारीगरी बताइए, बोलने में और करने में जमीन आसमान का फर्क है, बहुत फर्क है ना भाई साहब। गोगल करूं ठीक और दादा थोड़ा सा खाके पेट, थोड़ा सा नहीं भाई पूरा खाऊंगा। नहीं नहीं, मेरा थोड़ा सा खाके पेट नहीं भरने वाला, और पेट नहीं भरने वाला है क्योंकि इतना टेस्टी बना है ना, क्या बताओ दादा आपको। तो चलो मैं अभी और थोड़ा थोड़ा ले लेता हूँ, वीडियो को यही पे एंड करता हूँ, सुकून से बैठ के खाता हूँ। अपने वीडियो शुरू से एंड तक देखा था, आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट शेयर दबा के करो। और इंडियन टाइग्रीन, टाइग्रीन इंडियन टाइग्रीन को भी सर्च करो भाई, बहुत बेहतरीन बंदा है। और मिलकर खुशी हुई, दादा की वजह से मेरी उनके साथ मुलाकात हुई, और ऐसे मिलते रहेंगे और नेक्स्ट टाइम दोनों की कुश्ती लगाएंगे अपन। क्या बात है, चलो जरूर जरूर, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।